एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एक वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे। ये रिविजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कहानी ये है कि इस चैप्टर को लेकर कंफ्यूजन, एक सर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। जो टॉपिक एड हुआ है G20 वाला, G20 भी इसी में कवर कर लेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वीडियो से पूरा काम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मूविंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये आपको भी हैबिट इनकलकेट करना होगी। आज 10th में, 7th में, कल कोई और सब्जेक्ट लोगे, मैथ ले लिया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं फिर। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, केस ये रहता है कि आपको पता रहना चाहिए कि क्या करना है हमें। तो वो CBSE बताता है सब कुछ, सर्कुलर आते हैं, सिलेबस बताया जाता है, तो वहां पे जाकर चेक करोगे अगर आप CBSE की वेबसाइट पर। वो करना है आपको, ये हैबिट डेवलप करना होगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या है चैप्टर जो है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से क्या बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर जो है तो टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सिर्फ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये दो टॉपिक एग्जाम में आना है। पूरे चैप्टर से सिर्फ दो ही टॉपिक आना है, बाकी ये वाले जितने भी टॉपिक है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये सब पार्ट है किसका, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का, जो आपको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। फिर अब ये समझ में आ गया, चलो ठीक है, बोर्ड एग्जाम में दो टॉपिक आना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद जब चैप्टर का आप और डिटेल बाइफर्केशन देखोगे तो उसी सर्कुलर में, CBSE के सर्कुलर में, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और सर्कुलर एक बार और, बहुत बार दे चुका हूं, एक बार और दे दूंगा उस सर्कुलर को। जैसे अगर आप और डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट्स डेफिनेशन, इवोल्यूशन, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो दिस विल बी कवर्ड अंडर द टॉपिक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें कवर हो जाएगा। एक टॉपिक ये ऐड हुआ है जो आपकी बुक में नहीं है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ G20 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट रोल। तो इंडिया एंड G20 और G20 क्या है बेसिकली, ये एक चीज ऐड हुई है जो बुक में नहीं है, ठीक है, बाकी सबको सिलेबस बुक से ही आता है, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा क्या रहना होता है, बस हमें थोड़ा सा अवेयर रहना होता है कि सिलेबस क्या है आखिरकार, वो क्लियर हो गया। अब छाती नहीं पीटना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दो टॉपिक पढ़ना और एक G20 एडिशनल ऐड हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लूंगा। शुरू करते हैं यहां से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, मेरा एक पर्सनल मत है, ओपिनियन है, ठीक है, यू मे एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट। चैप्टर जो होता है तो एक चैप्टर का मतलब ऐसा रहता है ना कि कहीं से एक डॉट शुरू होता है और कहीं पे खत्म होता है, तो एक पूरी कहानी रहती है। अब आप चैप्टर का क्या है मतलब बीच बीच के पार्ट पढ़ोगे तो ऐसा रहेगा कि वो सर पैर कहां है समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडियली ये रहता है कि कहानी पूरी पता होना चाहिए, लेकिन वी विल ट्राई कि हम उससे कनेक्ट कर ले। तो ये चैप्टर जैसे शुरू होता है, तो चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर में सब बताते हैं MNC क्या है, MNC के अलग अलग रूट्स क्या है आने की, और MNC मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में क्या चीजें बदल गई है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में क्या चीजें बदल गई है, सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये एक चैप्टर का पार्ट है जो स्टार्टिंग का पार्ट था, जो नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, चैप्टर सीधे यहां से स्टार्ट होगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये शब्द आपने पहले भी सुना है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा हमने, उसमें भी सुना है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो बना है तो वर्ल्ड आज क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और वो वर्ल्ड का इंटरकनेक्शन डेवलप होना वर्ल्ड में, वही ग्लोबलाइजेशन है। तो जैसे अगर हम देखें तो MNCs acts as an agent इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड जो आपस में जुड़ रहा है ना, तो उस वर्ल्ड को आपस में जोड़ने में मल्टीनेशनल कंपनीज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या है, तो कुछ ऐसी कंपनियां होती ना जो यहां पे प्रोडक्शन करवा रही है कि मैनेजमेंट टीम कहीं और किसी देश में बैठी है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज कोई और जगह से हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि एक जैसे आप एग्जांपल ले लो आईफोन, ठीक है, एप्पल जो है तो US बेस्ड कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चाइना में हो रही है, उसके सॉफ्टवेयर सेगमेंट वाले पार्ट को आप जिस देख रहे हैं, और आफ्टर सेल्स सर्विस टेलीकॉलिंग का काम जो है इंडिया के लोग कर रहे हैं, तो वो कंपनी जो है उसने क्या करके रखा है, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके रखा कि वो 1, 2, 3 और मल्टीपल नेशंस में आपस में जुड़े हुए, उसके प्रोडक्ट सब जगह बिक रहे हैं दुनिया में।
तो क्या देखने को मिल रहा है, ये एक एग्जांपल है कि कैसे द वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड द कनेक्शन विच आर डेवलप्ड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज मेकिंग ग्लोबलाइजेशन अ रियलिटी। ठीक है, यही ग्लोबलाइजेशन है, यही ग्लोबलाइजेशन है। तो उस ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल करने में इन मल्टीनेशनल कंपनीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो एक एजेंट की तरह काम करती है। हाउ दे वर्क्स एज एन एजेंट, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, पैसा डालती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, तो वो क्या हो रहा है, वो उन्होंने पैसा यहां लगाया, यहां बिल्डिंग बनाई, यहां लोगों को काम पे रखा, तो वो पूरा पैसा लगाया, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। तो जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में बढ़ता है, एप्पल एक एग्जांपल, ऐसी दूसरी कितनी कंपनी है, लेट्स एग्जांपल फोर्ड आई थी, फोर्ड मोटर्स, तो फोर्ड मोटर्स ने यहां पैसा लगाया और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो उससे हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ में क्या, उन्होंने पैसा लगाया, यहां बिल्डिंग बनाई, यहां प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, तो इसलिए नहीं कि बस यहां छोड़ के चले जाएंगे कि ओके बाय। पॉइंट क्या हो रहा है यहां, जैसे अगर आप देखेंगे कि वो जो पैसा लगाया है, तो उस पैसे लगाने के बाद में वो कुछ गुड्स बनाएंगे। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ने या फिर हमारे हमारी देश की कंपनियों ने भी अगर कुछ डेवलप किया है, तो वो जो डेवलप हुआ है वो प्रोडक्ट, उसको क्या किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, देश में भी बेचा जाएगा, देश से बाहर भी बेचा जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विद द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देयर इज इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, और फॉरेन ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ कि सामान इंडिया से चाइना में बेचा, चाइना से इंडिया, मतलब चाइना से सामान इंडिया में लाया, इंडिया से यूएसए में गया, इंडिया से यूरोप में गया, यूरोप से इंडिया में आया, तो सामान का आदान प्रदान हो रहा है। तो वो सामान के पैर नहीं निकल रहे कि दौड़ के जा रहा है, वो केस क्या हो रहा है कि लोग उसके इधर से उधर बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है, कंट्रीज उसकी बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। तो देयर इज द ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। सो विद द इंक्रीज इन, ओके जोड़ते हैं, विद द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, foreign trade also increased, and with the increase in foreign trade, it is being observed that there is greater integration of production and market across the country. ये जो पूरा integration हुआ है, तो और इसी integration के कारण हम क्या देख रहे हैं, globalization क्या है, globalization is this only. What is globalization? Globalization is the process of rapid integration and interconnection between the countries, which is visible due to the increase in foreign investment and foreign trade fueled by MNCs. Simple, seedha, sateek. Kya hai globalization? To globalization, foreign markets ka integration or interconnection hi globalization hai, ki desh aapas mein jud rahe hai. Aur kaise jud rahe hai? To foreign trade ke through, foreign investments ke through, multinational companies ke through. Simple, itna dhyan rakhna ki globalization kya hai. अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें चैप्टर में बताई गई थी, लेकिन हमें ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है। मैं आपको पर्सपेक्टिव देते चलूंगा, लेकिन तो ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन है ना एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सामान बेच दिया तो ग्लोबलाइजेशन हो गया कि हाँ इंडिया से यूएसए चले गए, यूएसए से सामान यूरोप चले गया, यूरोप से इंडिया आ गया, चाइना आ गया, तो सामान बिक रहा है, सर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अधिकतर क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन मतलब स्टार्ट ही हम वैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रेड का मतलब ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखोगे एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के तहत हमको क्या देखने को मिलता है ना कि जैसे हाँ, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि वर्ल्ड तो पहले भी कनेक्टेड था और आज भी कनेक्टेड है, और पहले और आज के कनेक्शन में डिफरेंस क्या है कि आज कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया है और फास्ट हो गया है। फाइन, तो वैसे अगर आप जिस देखोगे ना, तो विथ द ग्लोबलाइजेशन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर। आज 24 घंटे के अंदर आप पूरी दुनिया में चक्कर मार के कहीं भी आ सकते हो। आज आप इंडिया में रह रहे हो, आपके दोस्त आपने जर्मनी बना के रखे होंगे, हो सकता है, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी है। तो केस क्या हो रहा है ना कि विथ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, There's the trend where world is coming closer. ठीक है, दुनिया एक दूसरे के पास आते जा रही है ग्लोबलाइजेशन के चलते। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, there is movement of goods, services, investments and technology. ठीक है, तो सामान के साथ साथ क्या है, आप देख रहे हैं कि पैसा भी इधर उधर मूव होता है। अमेरिका के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं बड़े बड़े बिजनेसों में, यहाँ पे वो वहां से पैसा यहाँ पहुंचा रहे हैं। समझाया? तो सामान का मूवमेंट है, सर्विसेज का मूवमेंट है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर बना के हम यूरोप के लोगों को दे रहे हैं, तो गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल का मूवमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों का तो मूवमेंट है ही ग्लोबलाइजेशन में। इसी के साथ साथ मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप 10th पढ़ोगे 12th पढ़ोगे, हो सकता है किसी का 12th के बाद में विदेश में जाके पढ़ने का मन करे, ठीक है, कोई डिग्री लेना चाह रहे हो आप, तो वो क्या है, वो भी एक एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? वो भी एक एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। आप जॉब करने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया आपने, और आप कभी जापान में काम करो, कभी यूरोप में काम करो, कभी मेक्सिको में काम करो, तो ये भी एक क्या है, आप देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाके सीख रहा है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल ये आ सकता है कि लोग क्यों मूव करेंगे सर, सामान पहुंचा दो ना, सामान के साथ खुच पक्के थोड़ी जाना है। तो केस क्या है कि लोग भी मूव करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एडुकेशन, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। समझ गए क्यों ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट की तरह कैसे इवॉल्व होकर आ रहा है। तो जो इंटरकनेक्शन और इंटर इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है, उसमें पीपल आर ऑल्सो इंक्लूडेड। पॉइंट बिंग, लोग क्यों जाएंगे, तो लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको बेटर इनकम चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए। अब आपको एक चीज समझना होगा कि जो वर्ल्ड का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो वर्ल्ड के इंटीग्रेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के इंटीग्रेशन पे, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पे लोग बहुत खुश हैं। एट टाइम्स लोगों के मूवमेंट पे क्या लग जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं कोविड का, ठीक है, तो क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन एक तरह से हॉल्ट पे आया था, कब, जब कोविड आया, क्यों, क्योंकि वो इंटीग्रेशन स्टॉप हो गया, इंटीग्रेशन कम हो गया। आप जैसे देखेंगे तो गुड्स लोग नहीं चाहते उनकी इकोनॉमी खत्म हो, तो गुड्स का मूवमेंट फिर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन लोगों को वीजा मिलना बहुत लेट हो गए, लोगों का मूवमेंट बहुत क्या हो गया, स्लो हो गया। समझ में आया? तो यहां आपको समझना होगा, हाउएवर देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। तो नॉट ऑल कंट्रीज वेलकम पीपल, जैसे अगर आप देखेंगे कि यूरोप में कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में क्या है कि ऐसे मूवमेंट्स चलते हैं कि बाहर से लोगों को नहीं आने दिया जाए, यहां की जॉब यहां के लोगों को दी जाए। तो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जब हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो वहां पे जो लोगों का मूवमेंट है तो वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना गुड्स एंड सर्विसेज का है, ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। फाइन, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस कंट्रीज ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड फ्यूल्ड बाय एमएनसीज की मदद से, ठीक है, एंड इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे, बोलोगे सर एमएनसी ने करा, तो एमएनसीज तो क्या है, एमएनसीज एजेंट है जो ग्लोबलाइजेशन को अपने सिर पे बैठा के ले जा रही है, मतलब उसको क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ फैक्टर्स भी इन द सेंस कि जिन चीजों के कारण से ग्लोबलाइजेशन और तेज हो गया। ग्लोबलाइजेशन क्या, वो इंटीग्रेशन और वो इंटरकनेक्शन और तेज हो गया, वो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन और फास्ट हो गया। तो वो क्या चीजें हैं, तो जैसे अगर आप देखोगे तो पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। घबराना नहीं है, बहुत सिंपल समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ होगा। फाइन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वही इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है इकोनॉमिक्स का, वो ग्लोबलाइजेशन है। टेक्नोलॉजी से कैसे हुआ होगा इंटरकनेक्शन, तो अब आप खुद सोचो कि आज से 200 साल पहले किसी भी व्यक्ति से तुरंत बात कर लेना इतना आसान नहीं था, कबूतर उड़ाने पड़ते थे, लेकिन आज क्या है, वो तुरंत बात कर लेना बहुत आसान है, और उस तुरंत बात कर लेने से हम और जुड़ रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स में देखो, आज से 200 साल पहले सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत समय लगता था, बैलगाड़ी से धीरे धीरे चलती थी गाड़ी आगे, लेकिन अब क्या है, ठीक है, एयर पार्सल्स, फटाफट पहुंच जाता है सामान। तो कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया है, एनेबल किया है और फास्टन किया है। सिमिलरली लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये समझाऊंगा वहीं पे। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो टेक्नोलॉजी की बात कैसे करें कि विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी द इंटरकनेक्शन बिटवीन द वर्ल्ड और द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फास्टन, ठीक है, और तेज हुआ है इंटीग्रेशन। फाइन, तो दिस स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक टेक्नोलॉजी ही है ना। तो अब आप देख लो कि और इंप्रूवमेंट होने से फास्ट मूविंग ट्रेन्स आ गई है, एयर सर्विसेज और बेहतर हो गई है। अगर सिंपल अगर हम देखें तो पहले सामान कैसे जाता था, पहले सामान जाता था
लैंड रूट के थ्रू भी अगर जाता था, शिप के थ्रू भी जाता था, तो टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर मान लो कंटेनर्स नहीं थे, आज से 100-150 साल पहले कंटेनर्स नहीं थे। कंटेनर्स क्या होते, कंटेनर का एक एग्जांपल दिया, इसके लिए कंटेनर दे रहा हूं। आपने देखा ना पुरानी हिंदी मूवीज में जो लास्ट के सीन आते थे मूवीज के, ठीक है, जहां पे हीरो की माँ को विलेन पकड़ के ले जाता था, तो वो कंटेनर के वहीं पे लड़ाई होती है डॉकयार्ड में, ठीक है। तो ऐसे शायद कंटेनर ध्यान हो तुम्हें, तो कंटेनर ऐसे जो शिप्स मतलब कह सकते हैं पोर्ट्स वगैरह पे जो सामान रहता है ना, जैसे कार्स मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, तो एक एक कार ले जाओगे उसमें पोर्ट हैंडलिंग बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते हैं, एक कंटेनर के अंदर 10-12 कार ठूस दी जाती है, क्रेन से कंटेनर उठाया इधर से उधर रखा, पोर्ट हैंडलिंग क्या हो गई, आसान हो गई है। फाइन, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है टेक्नोलॉजी की, विद द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, क्या देखने को मिल रहा है कि अब सामान एक जगह से दूसरी जगह फटाफट जा सकता है, और ये फटाफट जाना सामान एक जगह से दूसरी जाना, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो विद द इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, कम कीमत में बेहतर तरीके से फटाफट और बहुत ज्यादा सामान इधर से उधर मूव किया जा सकता है, एंड दिस इज मेकिंग ग्लोबलाइजेशन अ रियलिटी। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हाउ टेक्नोलॉजी, सवाल ऐसा बन जाएगा एग्जाम में, देखो सवाल क्या बन सकते हैं वो भी बताते चल रहा हूं मैं आपको। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, समझा दिया आपने पिछली स्लाइड पे। अब आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हाउ टेक्नोलॉजी एज अ फैक्टर हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का पूछा है, गिव टू एग्जांपल्स पूछ लिया, तो आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजी स्टिम्युलेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये दो एग्जांपल की ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कंटेनर्स के आने से क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत फास्ट हो गया। वैसे अगर आप देखोगे क्या डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ICT की अगर बात की जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो पहले क्या होता था, जैसे वही पहले खत लिखे जाते थे, बहुत समय में पहुंचते थे, फैक्स आया, ईमेल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गया, आज सिर्फ एक टेक्स्ट करना रहता है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया तो दुनिया में कहीं पे भी है उसको पहुंच जाएगा आपका मैसेज। फाइन, तो हो क्या रहा है, केस क्या हो रहा है, आप यहां से देखेंगे कि इंटरनेट के स्प्रेड से चीजें कितनी बेहतर कनेक्ट हो गई है। आप पेमेंट की बात करो तो पहले पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बड़ा डिफिकल्ट होता था, अब क्या है, बस एक पिन डालना पड़ता है 4 नंबर का, मुझे बता देना तुम तुम्हारा पिन, ठीक है, तो या तो तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, समझे। एक एग्जांपल दिया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सम ऑफ द डेवलपमेंट्स व्हिच आर कनेक्टिंग द वर्ल्ड टू रिमोट एरियाज विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। एग्जांपल यहां पे एक दिया है, यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि लंदन में एक मैगजीन प्रिंट होना है, उस मैगजीन का कंटेंट वगैरह वहां डिजाइन किया गया, वो सारा सब कुछ कंटेंट यहां पे मेल कर दिया गया, दिल्ली में उसकी प्रिंटिंग होगी, छपाछप छप गई पूरी मैगजीन्स, उसको एयर सर्विस के थ्रू पहुंचा दिया गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पैसे, तो पैसे उन्होंने वहां से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, इधर दिल्ली में आ गए पैसे, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल कि कैसे ग्लोबलाइजेशन मतलब कैसे टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को एनेबल कर रही है, ठीक है। तो सवाल, बड़ा सवाल ऐसा बनता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया, ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल किया है, फास्ट किया है, वो हमने देख लिया। दूसरा है क्या, दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हो रहा है कि एक जगह से सामान दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे देश जा रहा है, वो फॉरेन ट्रेड है। और फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, फॉरेन ट्रेड से ग्लोबलाइजेशन होता है। सिंपल मैथमेटिक्स की तरह समझते चलना, ठीक है, दो मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है, लेकिन फॉरेन ट्रेड से क्या देखने को मिल रहा है आपको, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि इंडिया के किसी बिजनेसमैन ने मान लो पाकिस्तान में पैसे लगा दिए, मान लो पाकिस्तान में लगाया, चलो और कहीं चलते हैं, ठीक है, मान लो अफ्रीका में जाके किसी कंट्री में अपना पैसा लगाया और वहां पे उसने अपनी इंडस्ट्री चालू करी, तो वो जब हम पैसा कहीं और लगा रहे हैं, हमेशा लोग हमारे यहाँ पैसा क्यों लगाए, हम भी तो लगा सकते हैं, हमारे यहाँ भी पैसा है लोगों के पास, तो वो क्या है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी अफ्रीका की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो रही है, और इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स दो लिखे ना यहाँ पे, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ग्लोबलाइजेशन को फास्टेन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, इनसे ग्लोबलाइजेशन होता है, जो हमने पढ़ा भी है अभी पिछली स्लाइड पे। अब पॉइंट ये आ रहा है कि एक शब्द आ गया लिबरलाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन समझना है हमें, तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन, क्या ये लिबरलाइजेशन चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है हमारा, उसमें लिबरलिज्म जुड़ा है,
उस लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है कहीं से कहीं, बिल्कुल। और यही ऑब्जेक्टिव देखो, पढ़ो ऐसे है कि सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो वो लिबरलाइजेशन हमने क्या लिखा था, ओपनिंग अप लिबरलिज्म या फिर लिबरलाइजेशन का रूट वर्ड है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, ठीक है। फ्री मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्री कर देना। अच्छा, सामान फ्री में मिलेगा, नहीं। पॉइंट बिंग कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई बंदिशें ना हो, आजादी हो फॉरेन ट्रेड की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। और वो आजादी होगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा फॉरेन ट्रेड, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, और उससे क्या होगा, उससे ग्लोबलाइजेशन होगा। तो लिबरलिज्म को समझेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे, उसके एडवांटेज भी समझेंगे, बाकी टू स्टार्ट विथ समझ में आ गया लिबरलिज्म क्या है। अब पॉइंट ये है कि आजादी मांग रहे हो, इसका मतलब आजादी नहीं थी। क्यों नहीं थी, लिबरलिज्म की नीड क्यों पड़ी, ठीक है, लिबरलिज्म की नीड क्यों पड़ी, पूरा मैथमेटिकल जा रहे हैं, लिबरलिज्म की नीड क्यों पड़ी। तो अगर आगे देखें तो हुआ क्या था कि जब देश को आजादी मिली तो उसके बाद में हम जब आजाद हो गए तो हमें यह देखना था कि अपनी इकोनॉमी को अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी और अपने को कैसे आगे बढ़ाना है हमें खुद तय करना पड़ेगा भाई साहब। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने है ना ये देखा कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो डायरेक्ट यूएसए के बिजनेसमैन से कम्पीट कर सके। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दिए। शब्द समझना, ट्रेड बैरियर्स, ये देश है, ठीक है। अब इस देश में आपको क्या देखने को मिलता है, अब इस देश में आप परफेक्ट सर्कल बन गया, देखो, ठीक है, इस देश में आपको देखने को मिलता है क्या कि गुड्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं आपकी कंट्री में, और आपकी कंट्री का जो प्रोड्यूसर है वो ये है, और जो बाहर से पहुंचा रहा है वो ये है, बड़ा जाइंट प्रोड्यूसर है। तो आपको अपनी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर को बचाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप खुद एक बैरियर बना देते हो, आप खुद एक क्या कर देते हो, एज ए गवर्नमेंट आपके पास पावर है कि आप थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो कि तुम सामान 10 रुपए का ला रहे हो, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे हम 10 रुपए का, तो 20 रुपए का हो जाएगा, और हमारा प्रोड्यूसर अगर 15 में बेच रहा है और उसका सामान जब 20 रुपए में बिकेगा तो हमारे प्रोड्यूसर के सामान बिकने की संभावनाएं हैं, ठीक है। जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कमजोर हैं, कमजोर थे उस समय पे, तो उन्हें बचाना था, किससे उन्हें बचाना था, वर्ल्ड वाइड जो ओपन कॉम्पिटिशन था उससे, इसके लिए हमने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। तो अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या कर रहे हैं, कंट्री के इंटीग्रेशन को रोक रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ है ना, ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ। तो पहले ट्रेड बैरियर्स वर यूज्ड, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जितना ज्यादा होगा उतना ग्लोबलाइजेशन होगा, लेकिन ट्रेड बैरियर की मदद से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर इंपोर्टेड इन आर कंट्री कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और रेगुलेटेड। तो ये क्या चीज है, ये जैसे अगर आप देखोगे, तो ये एक तरह से ट्रेड बैरियर क्या है, एंटी ग्लोबलाइजेशन है, एंटी ग्लोबलाइजेशन टूल हो गए, फाइन। और इसको क्यों लगाया गया था ट्रेड बैरियर्स को, उसका रीजन मैंने आपको बड़ा सिंपल बता दिया, दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। जो कंट्री के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाहर से जिन कॉम्पिटिटर्स के साथ उन्हें कम्पीट करना था, देवर जाइंट्स, उनके सामने टिक नहीं सकते थे हमारे प्रोड्यूसर्स इन द अर्ली स्टेज, ठीक है। इसीलिए इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, जो फॉरेन कॉम्पिटिशन था उससे बचाना है, ठीक है। देर वर द इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 60s एंड देवर नॉट इन दैट स्टेज टू गिव द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। तो इसके लिए हमने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इसके चलते क्या है, हम इंपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ही प्रोड्यूस करें, बहुत एसेंशियल चीज जो होती थी वही इंपोर्ट करवाते थे जो हमारी कंट्री में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, और जिस चीज की हमारी जनता को और हमारे हमारे प्रोड्यूसर्स को जरूरत होती थी सिर्फ उन्हीं चीजों को हम अपने देश में आने देते थे, नहीं तो हमने ट्रेड बैरियर की ढाल बना के रखी थी। बहुत अच्छी बात है सर, हमारे प्रोड्यूसर्स को बचा लिया, लेकिन वो ट्रेड बैरियर की ढाल जो थी ना उससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या हो रहा था, आप जवाब दो मन से जुड़े, रुक रहा था। क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्री करो, ओपन करो अपने मार्केट को, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये तो इनिशियल स्टेज हो गया, अब मतलब पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन वॉज लाइक, तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं, ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा अगर ट्रेड बैरियर्स, कंपनीज जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी ग्लोबलाइजेशन उतना कम होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अगर आप देखोगे 1990s के बाद चीजें पलटती है, फ्लिप लेती है। 1990s के बाद क्या होता है, 1990s के बाद में देयर वर सम चेंजेस, देयर वर सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी व्हिच वर मेड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडियन पॉलिसी जो थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें बदलाव लाया गया। तो एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी
1991 में हमारी इकोनॉमी की हालत खराब थी। इकोनॉमिस्ट ने एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी मदद कर रही थी उस समय, उन्होंने भी बोला कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेंगे, दरवाजे खोलो, हमारी कंपनीज को घुसने दो, हम आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, पैसा देंगे आपको, सारी चीजें, ठीक है। तो 1991 के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ एक मेजर पॉलिसी चेंज आता है, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। सिंपल समझना, देखो आपको आपके बच्चे को, आपके बच्चे क्या होंगे, आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, आपको आपके छोटे भाई बहन को क्या करना है, एक बहुत अच्छा एथलीट बनवाना है, ठीक है, एथलीट बनवाना है। तो अब आप ऐसा नहीं कि उसको पहले दिन ही उसेन बोल्ट के साथ दौड़ाना शुरू कर देंगे, पहले आप क्या करोगे, उसे डिमोटिवेट ना हो जाए उसके लिए, कोई उसको ऐसा नहीं दिखाओगे कितना तेज दौड़ रहे हैं लोग, पहले दिन तो आप उसको उन सबसे प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रेड बैरियर्स। तो हम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को शुरुआत में तो प्रोटेक्ट करेंगे कि तुम बडिंग स्टेज पे अभी थोड़ी अपनी जड़े तो जमा लो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जैसे कि आप अपने भाई बहन को हमेशा ऐसे एथलीट बनाने का सोच रहे हो लेकिन उनको पलकों पे रखोगे कि नहीं तुम मेरे हाथ पे दौड़ ले, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप एक पॉइंट के बाद में ये सोचोगे कि अब वो परिपक्व है कि उसको कॉम्पिटिशन में धकेल दिया जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप फिर उसको कम्पीट करवाते हो किसी के साथ में, ताकि वो अपने स्टेटस को पता लगा पाए कि वो कहां स्टैंड कर रहा है। सेम चीज वही हुई कि हमारी गवर्नमेंट को अब रियलाइज हुआ कि भाई साहब समय आ गया, बहुत बचा लिया हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अब हमें क्या करना होगा, उन्हें कंपीट करवाना होगा ग्लोबल प्रोड्यूसर से। क्यों, काई का कंपटीशन चल रहा है सर, इसलिए करवाना होगा क्योंकि इट वाज फेल्ट दैट द कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूशन, ठीक है। जब तक कंपटीशन, जैसे आप देख रहे हो ना कि कोई नहीं पढ़ रहा, अपन भी नहीं पढ़ रहा है, बढ़िया है, निश्चिंत रहो, आपने देखा कि चार लोग इधर पढ़ रहे हैं, चार लोग इधर पढ़ रहे हैं, तो पांचवा व्यक्ति जो है वो खुद सोचेगा मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं आउट ऑफ द रेस फील करूंगा, फोमो क्रिएट होने लगता, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो केस वही हुआ कि जब ओपन कंपटीशन होगा, गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, तो उस ओपन कंपटीशन के चलते क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी विद इन द कंट्री, ठीक है, सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी, उससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी जिससे जनता को फायदा मिलेगा, ठीक है। और इसी चीज के चलते दिस, मतलब अभी डिसीजन लिया जाएगा, और ये जो इकोनॉमी को ओपन अप करने की बात की जा रही थी ना, तो देयर वर मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड को क्या करती है, रेगुलेट करती है सारी चीजें। दो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आई थी, इस समय तक तो आई भी नहीं थी, लेकिन उसका कह सकते हैं ना कि प्रोड्यूसर जो थे क्या कहते थे गैट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो गैट जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसने भी ये प्रेशराइज किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, फिर वर्ल्ड बैंक कह लो, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, ट्रेड होने दो, जरा ग्लोबलाइजेशन होने दो, हम तुम्हारी मदद भी कर देंगे, ठीक है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, समझ में आ रहा है ना, अभी मैं ग्राउंड बता रहा हूं आपको, फिर बता दूंगा एक बार में कि लिबरलाइजेशन एंड मतलब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इसके चलते हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया, इकोनॉमी को ओपन अप किया, और इकोनॉमी को ओपन अप करना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। मतलब फिर हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, ठीक है। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, जो बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ठीक है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सो दिस इज लिबरलाइजेशन, की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जो बैरियर्स लगाए, उन बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को जब आप हटा देते हो, उन बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना ही क्या है, लिबरलाइजेशन है। और लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा, जब आपने ये गाना बजा दिया आपकी कंट्री में कि तोड़ दो सारे बंधन तुम, ठीक है, तो वो बंधन जब टूट गए तो उसका मतलब क्या है कि नाउ द इकोनॉमी इज ओपन टू हैव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या है कि जर्मनी की कारें भी इंडियन रोड पे आ सकती है, तो इंडियन कार बनाने वाले को सोचना पड़ेगा, भाई साहब मुझे भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगी, नहीं तो मैं मार्केट के बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ओपन कॉम्पिटिशन आया किससे, ग्लोबलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन से, और लिबरलाइजेशन के आने के बाद में जब वर्ल्ड के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आना और इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाना चालू हुए, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ। सो दिस इज हाउ द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प इन एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। इसके एडवांटेज अगर देखें, इंपैक्ट जो देखें लिबरलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो सबसे पहला क्या है, नाउ गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली, एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फाइन, फॉरेन कंपनीज जो है अपने यहाँ पे ऑफिस लगा रही है इंडिया में, लोगों को काम मिल रहा है, वर्ल्ड इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले बहुत सोचना पड़ता था, बहुत ट्रेड बैरियर्स थे, टैक्स लगता था,
तो बिजनेसमैन भी सोचता था यार सरकार क्या करेगी, ये सामान नहीं खरीदने देगी, बेचने नहीं देगी, उतनी ईज ऑफ डूइंग नहीं थी बिजनेस की, अब वो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तीसरा, द गवर्नमेंट इंपोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। अब क्या हो रहा है कि अब गवर्नमेंट खुद लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बाद में कहे कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाना कम कर दिया, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को लिबरल कहने लगे। लिबरल वही, हिस्ट्री से जोड़ लो, पॉलिटिकल साइंस से जोड़ लो, इकोनॉमिक्स से जोड़ लो, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, टू फ्री। तो वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मार्केट को फ्री किया, रिस्ट्रिक्शंस हटाए। समझ में आया? तो अब यहां तक अगर रिकैप कर, तो ये बुक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आगे G20 वाला पार्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर यहां तक जिस देखोगे तो क्या हुआ, क्या कितनी चीजें समझ में आई आपको, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन होता है, और दो फैक्टर्स जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया वो कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी, वी हैव डिस्कस्ड विद द एग्जांपल्स, एंड द अदर द सेकंड फैक्टर इज व्हिच एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन, द सेकंड फैक्टर इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, G20 की तरफ। ये फोटोज हो गई इंडिया एंड द G20। अब आपको यहां चीजों को समझना होगा कि G20 क्या है। तो G20 सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 व्हाट, तो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ये 20 नेशंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये G20 है। ये जो टॉपिक है आपके बुक में नहीं है, ये ऐड हुआ है सिलेबस में, CBSE क्लास 10th बोर्ड्स का जो सिलेबस दिया गया है उसमें, तो पॉसिबिलिटी है कि टॉपिक ऐड किया है, तो इस पर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और तो ये एडिशनल टॉपिक मैं आपको यहां पे बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, तो G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, तो दिस ग्रुप वॉज फाउंडेड इन 1999 में इस ग्रुप को गठित किया गया था। अब ये ग्रुप क्या है, ये 20 देशों का जो समूह है, तो एक ये इंटरनेशनल लेवल पे इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अलग अलग देश आपको देखने को मिल रहे, 20 देश है जो कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाते हैं, मतलब कि भारत की सरकार हो गए, ठीक है, जैसे भारत की सरकार हो गई, यूएसए की सरकार हो गई, तो ये सारी सरकारों ने मिलकर आपस में एक तरह से कंसेंसस बिल्ड किया कि हमें एक साथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो हर साल एनुअल मीटिंग होती है इन 20 देशों की। तो G20 वॉज फाउंडेड इन 1999 इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हम मिलके क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, नहीं, क्यों मिलना है, ताकि हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर कर सके, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर कर सके। और दिस ग्रुप कंप्राइज ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का नाम अलग से क्यों लिखा था, तो यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप के कुछ देशों का एक समूह है, जैसे G20 20 देशों का समूह है, तो यूरोप में जो छोटी छोटी कंट्रीज, उन्होंने आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब वो इस लेवल तक कोऑपरेशन होगा क्योंकि करेंसी कॉमन है। क्या करेंसी चलती है यूरोपियन यूनियन में, बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन को एक यूनिट माना जा रहा है, उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज, इटली हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, तो ये सारी कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन वो सब एक साथ यूरोपियन यूनियन उनको रिप्रेजेंट कर देता है। तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन, मतलब पूरा यूरोप और वर्ल्ड के अलग 19 बड़ी बड़ी कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज जो है ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 फोरम बनाती है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम। सवाल कैसे आएंगे, देखो, तो सवाल कैसे आएंगे, वी डोंट नो, लिटरली अगर बताऊं, लेकिन वी कैन प्रिडिक्ट कि फैक्ट्स पूछ लेंगे कौन से 20 कंट्री हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या थीम थी, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस साल ये जो G20 की मीटिंग हुई है, या फिर कह सकते हैं G20 का जो प्रेसिडेंसी है ना, बोलते हैं कि इसके प्रायोजक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कि इसको पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमने ली है। ठीक है, हम प्रिसाइड कर रहे हैं, हम हमारे यहां पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो G20 इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया, शायद इसलिए आपके सिलेबस में ऐड करवाया। ठीक है, तो 20 देश कौन कौन से, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। सो दीज 20 कंट्रीज आर फॉर्मिंग G20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। अब इसकी सिग्निफिकेंस या फंक्शनिंग क्यों बनाया सर, ये ग्रुप बनाया क्यों आखिरकार, तो मैंने बताया इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो लीडर्स फ्रॉम The member countries meet annually to discuss significant issues pertaining to the global economy, including international financial stability, the digital economy, climate finance, and climate change mitigation and sustainable development. घबराना नहीं, समझा रहा हूं मैं। Fine. तो ये group बनाने के पीछे का objective ही ये था कि ऐसे issues, जैसे global economy में अगर आप देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ हम चैप्टर पढ़ाना है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का एडिशनल टॉपिक है ये। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या देखा
कि आज वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज की तरह कन्वर्ट हो गया, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये इंश्योर करना होगा कि इकोनॉमी सस्टेनेबल तरीके से, स्टेबल तरीके से चलते रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना होगा। ऐसा ना हो कि 1929 में एक बार इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वैसा डिप्रेशन आया और फिर सारी इकोनॉमी क्या हो जाए, सारी इकोनॉमी परस्त हो जाए, परेशान हो जाए। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सोचना होगा। गोइंग विद द फ्लो, आज डिजिटल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी सेफ सिक्योर बनाई जाए। तो इस पे सिर्फ एक देश के काम करने से काम नहीं चलेगा, सारे देशों को आपस में एक साथ आके जुड़ना होगा ना। तो वो चीजें इंश्योर करने के लिए वो इकोनॉमिक कॉपरेशन, प्राइमरली आप इकोनॉमिक कॉपरेशन देख रहे हैं लेकिन इकोनॉमी में एनवायरमेंट भी आता है, तो आपको वो क्लाइमेट के बारे में सोचना होगा, उसके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंस जुगाड़ना होंगे, ठीक है। क्लाइमेट जो बदल रहा है तो उसके मिटिगेशन पे बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात, जिसमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने का एक हमारा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों की इर्द गिर्द बात करते हुए ये 20 कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया। क्यों ये 20 कंट्रीज में ऐसा क्या है सर? तो पॉइंट सिंपल है कि इसके जो मेंबर्स है ना, ये मेंबर कंट्रीज, दीज मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी का 85% आपको ये मेंबर कंट्रीज दर्शाती है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का 75% जो है आपको इन कंट्रीज से देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जितना भी हो रहा है 75% ये 20 कंट्रियां कर रही हैं, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड इज देयर इन दिस ग्रुप। तो पूरा देश, मतलब पूरा विश्व एक साथ बैठता है हर साल, और हर साल बैठ के कुछ प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेता है। तो ये सिग्निफिकेंस है G20 की, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब इंडियंस नहीं आएगा, इंडियाज, ठीक है। इंडियाज रोल, इंडियाज रोल इन G20, इंडिया के रोल की अगर बात करें हम कि इंडिया का क्या रोल रहा है G20 में, ठीक है। इंडिया के रोल की अगर बात की जाए तो देखो, इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन G20। क्यों इस साल, क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है ना वो शिफ्ट होती रहती है रोटेशनल बेसिस पे। मतलब ऐसा होता है ना कि सबको अपने आप, जैसे आप मान लो कि आप क्या है, किटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सिंपल लेमेन तरीके से बताऊं, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि यार उसके यहाँ उसके यहाँ क्यों होते हैं, हमेशा हमारे यहाँ को भी मौका मिलना चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए कि जो G20 की प्रेसिडेंसी होती है ना, कि कौन प्रिसाइड करेगा कौन सी कंट्री, और जो कंट्री लीड करता है तो वो वहां एजेंडा चला सकता है कि इस साल हम मीटिंग में हम ये बात करेंगे, ये एजेंडा होगा। तो द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के बीच में रोटेट करती है G20 की प्रेसिडेंसी, एनुअली हर साल रोटेट होती है, एंड इज बीइंग अज्यूम्ड बाय इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया फ्रॉम 1 December 2020, ठीक है, 2022। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो 1 December 2022 को हमने इंडोनेशिया से बोला कि भजन लग रहा होगा तुम्हें उस प्रेसिडेंसी का, वो हमें दे दो। तो हमने वो प्रेसिडेंसी, हमारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे ले लिए कि इस साल हम 2023 में हम प्रेसिडेंसी को संभालेंगे, हम सारे मीटिंग्स इवेंट्स ये सारा सब कुछ। तो G20 से जुड़े हुए जितने भी निर्णय होते हैं, तो फॉरेन डिप्लोमेट्स हमारे देश में आते हैं, एक एनुअल मीटिंग जो होती है जो सितंबर में हो गई है, ठीक है, ये वीडियो सितंबर के बाद बन रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड लीडर्स जो थे वो सब हमारे देश में आए थे, ठीक है। इंडिया विल कन्वे द G20 लीडर समिट फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन September 2023, ठीक है, सभी लोग आए। अच्छा आए क्यों, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे अलग अलग फोटो देखोगे इंस्टाग्राम पे, किसी को G20 से सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी कि हाँ सर हमें तो वही पता है कि G20 में वो बहुत खास हुआ था, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। जैसे देखें तो हम एक एजेंडा सेट करते हैं, क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में बन गया कि मेन थीम क्या थी G20 की इस बार। तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, इस साल की थीम थी, तो इट सीक्स टू फाइंड प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस। इंडिया के रोल की अगर बात करें तो इंडिया ने ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो थी जैसे एनवायरमेंट वगैरह, इनको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार का जो थीम रखा था वो क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। तो इट सीक्स टू फाइंड प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल व्हाइल मैनिफेस्टिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये होता ना कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने थीम रखी वो कि वन अर्थ, ठीक है, हमने थीम रखी वन अर्थ वन नेशन, सॉरी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो हमें कॉमनली आके सोचना होगा। उस थीम के अंदर हमने क्या किया, एनवायरमेंटल वेलबींग की अगर हम बात करें तो जैसे हमने क्या चलाया, लाइफ मोटो रखा था एक, ठीक है, सिंस इंडिया वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ शेयर्ड ग्लोबल फ्यूचर फॉर ऑल थ्रू द अमृतकाल। अमृतकाल क्या है कि हमने 75 साल हमारी आजादी की कर ली है, अब 75 से 100 वाला जो 25 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, दिस इज रियली ऑस्पिशियस फॉर अस, इसको हमने अमृतकाल बोला है हमारी गवर्नमेंट ने। तो अब जब हम अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, प्रकृति के बारे में सोचा जाए, प्रकृति के बारे में निर्णय लिए जाए, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, लाइफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमने प्रेसिडेंसी किससे ली, इंडोनेशिया से ली। अब
23 में हमारे पास में प्रेसिडेंसी है, 24 में किस कंट्री को देने वाले हम? होमवर्क दूं? चलो पता करना, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे तो 24 में भी एक, चलो इंडिया तो एक साउथ अमेरिकन कंट्री को जाने वाली, वो भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिडेंसी शिफ्ट होगी तो अगले बार किसके पास जाएगी? फाइन। तो विच एम्स टू प्रमोट अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस, कि एनवायरमेंट के टुवर्ड्स कॉन्शियस प्रैक्टिसेस के थ्रू हम कैसे कह सकते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट डेवलप करें, ताकि मतलब कोर थीम जो है तो वसुधैव कुटुंबकम हमारी मेन टैगलाइन हो गई, ठीक है। एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ये हमने एजेंडा रखा था। बहुत सारे देश आए और भी अलग अलग मुद्दों पे बात हुई है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का रोल क्या रहा G20 में, ठीक है, तो इंडिया का रोल क्या रहा, तो उसमें जैसे अगर आप देखेंगे कि 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज जो है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी आर एस फॉलोज, मतलब कह सकते हैं ना, जो मैं आपको वही बता रहा हूँ पीछे कि हमने जो 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो 6 कोर एरियाज है जिसके इर्द गिर्द हमने सारी कंट्रीज से भी प्रयास करवाया कि इन पे कुछ काम होना चाहिए, तो वो 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज क्या है वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर आ गया या फिर ऑब्जेक्टिव में कुछ आ गया, सो 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज क्या क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ, ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वही एनवायरमेंट के इर्द-गिर्द हमने बात करी, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी कि एनवायरमेंट डिप्लीट हो रहा है तो उसको कैसे, कौन डेवलप्ड कंट्रीज कितना फंड लाएगी, डेवलपिंग कंट्रीज कितना फंड लाएगी, ये सारा सब कुछ। एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ, ठीक है, एक्सीलरेटेड मतलब ग्रोथ हमें तेज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तेज के चक्कर में पीछे लोग छूट जाए, इंक्लूसिव होना चाहिए कि सबको साथ लेके चले, और रेजिलिएंट ग्रोथ होना चाहिए कि वो ग्रोथ ऐसी हो कि खोखली ना हो, ठोस हो, ठीक है। Accelerating progress on SDG, Sustainable Development Goal की अगर बात करें, तो Sustainable Development Goal क्या है? 17 Sustainable Goal, Development Goal है, जैसे poverty को eliminate करना पूरा ये, तो उन goal पे काम किया जाए, इस चीज को हमने एक बार फिर highlight किया हमारी presidency में। फिर technological transformation and digital public infrastructure, as I said कि G20 का objective ये है कि digital economy के बारे में सोचा जाए, तो एक digital public infrastructure build किया जाए, technological transformation आए कि world और क्या हो, बेहतर तरीके से connect हो पाए। साथ ही साथ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी मतलब ये 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे सार्क हो गया, मतलब मल्टीपल नेशंस के आपस में ग्रुपिंग्स बनाए जाए, ठीक है। जैसे अगर आप क्या देखेंगे, क्वाड हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे ब्रिक्स हो गया, तो ऐसे ग्रुप्स जिनको, जो अलग अलग देश है और अलग अलग देश के ग्रुप्स एक साथ आए, अलग अलग मुद्दों पे एक साथ आए, जैसे ओपेक एक ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए हो गया, तो ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ठीक है। और छठवां जो थीम है वो है वुमेन लेड डेवलपमेंट, दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन दी पार्टी पॉलिटिक्स ऑल्सो। जैसे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का नैरेटिव क्या है पूरा, ठीक है, तो सारी पॉलिसीज वगैरह जो है वो वुमेन से जुड़ी हुई, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया अभी, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन जो है वो इस बार वुमेन को सेंटर में रखते हुए चल रहा है, ठीक है। और इन जनरल भी वर्ल्ड के लिए भी हम इस G20 की प्रेसिडेंसी में वही चाह रहे थे कि वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, फाइन। तो ये इंडिया का रोल था, इंडिया का स्टैंड था G20 में। आई होप आपको यहां तक चीजें सारी समझ में आई है बेहतरीन तरह से। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, एडिशनल टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टीम DSR, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ इस चैप्टर को देते हैं पूर्ण आहुति, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।